दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले सीएससी से आईआरसीटीसी आईडी कैसे ले। जी हाँ, आप सीएससी से भी टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और आईआरसीटीसी आप आईडी ले सकते हैं सीएससी के द्वारा मात्र 1000 में। अभी अदर कंपनी आपको 2000 से 4000 के बीच में ये आईआरसीटीसी आईडी देगी, बल्कि सीएससी आपको 1000 में ही आईआरसीटीसी आईडी देगी रेलवे का टिकट बुकिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन करते हैं और कैसे आईडी पासवर्ड मिलेगा। पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल सीएससी को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे, सर्विसेज पे जाएंगे। सर्विसेज पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च के आइकन है, सर्च पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे आईआरसीटीसी। जैसे आप आईआरसीटीसी लिखते हैं तो ऑप्शन आ जाता है आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और नीचे में यहाँ फिर से मिलेगा आपको आईआरसीटीसी एजेंट रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आईआरसीटीसी एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 1000 रुपये लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, यह कभी वापस आपको नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा आपको फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका सीएससी आईडी और आपका फुल नेम रहेगा। यहाँ पे फादर का फुल नेम देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देंगे, यहाँ पे आधार नंबर देंगे, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना है जो कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे पहले से कभी रजिस्टर नहीं हुआ है। साथ साथ यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना है जो कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे पहले से कभी रजिस्टर नहीं हुआ है। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट हो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जब भी आपका डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना एरिया के पिन कोड देंगे, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस देंगे और यहाँ पे ऑफिस में भी अपना पूरा एड्रेस देंगे। और यहाँ पे आपको एक पैन कार्ड अपना अपलोड करना है, बीएलई का पैन कार्ड अपलोड करना है जिसकी केवी से 100 KB से कम होनी चाहिए। साथ साथ यहाँ पे एक आपको सीएससी एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है जिसमें बिजली बिल, टेलीफोन बिल, वोटर आईडी कार्ड वगैरह अपलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ मैं वोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट करूँगा और वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करूँगा जिसकी केवी 100 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद पे एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद कुछ इस तरह पेमेंट करने के लिए आपको बोलेगा, तो यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे अपना सीएससी आईडी पासवर्ड डाल के। तो हमारे में पेमेंट वॉलेट में रुपया नहीं है, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए अब आगे क्या करना होगा। तो उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 2-3 दिन बाद इसी वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ पे आपको चेक करना होगा आपका एजेंट आईडी आया कि नहीं आया। यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं या अपना मेल चेक करते रहिए, मेल पे भी आपको आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे फाइंड आउट योर आईआरसीटीसी एजेंट कोड पे यहाँ पे क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह आ जाएगा आईआरसीटीसी एजेंट स्टेटस, आपका यहाँ पे सीएससी आईडी रहेगा, यहाँ पे आपका सीएससी आईडी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे।